मेरे दोस्तों, कुछ ऐसा नजारा है सुबह सुबह श्रीलंका के साउथ वाले पोर्शन का। रात को ना बहुत ज्यादा बारिश हुई, और रात को भाई मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा टाउन होगा यहाँ पे। मतलब रात को ना ऑटो वाले भैया छोड़ने के लिए आए यहाँ पे, एंड उस टाइम बारिश लगी हुई थी। हम सीधा मतलब घर के अंदर आ गए और पता नहीं चला कि इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी भाई। एक सेकंड भाई, बड़ा फ्रेंडली सा घर है, दिख रहा है ना? इस वाली साइड देखो भाई, कितना इन्होंने जंगल बनाया हुआ है अपने लिए, दिख रहा है? कितना मस्त वाला लग रहा है। तो हेलो मेरे प्यारे भारतवासियों, क्या हाल चाल, क्या सो आप सब? हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया हैं भाई साहब। अभी हमें श्रीलंका में, आज हमने सोचा थोड़ा बहुत समंदर घूमेंगे। फिर याद आया कि समंदर तो बहुत ज्यादा घूम लिया है, मतलब समंदर घूमने के और भी ऑप्शन है, बट अपने पास ना दिन बहुत ज्यादा कम है। तो हमने सोचा आज हम ट्रेन लेके ना, ट्रेन भाई साहब बड़ी मस्त वाली जर्नी होने वाली है। मस्त वाली इसलिए क्योंकि यहाँ से कोलंबो तक पूरी ट्रेन ना मतलब समंदर के किनारे किनारे चलेगी, मजा आएगा बहुत ज्यादा। और हमने सोचा वैसे भी हम जा रहे हैं राम सेतु की ओर, और समंदर हर जगह समंदर ही है, तो यहाँ पे ऐसे क्यों दिन बेस करने, फटाफट निकलते हैं क्योंकि अपने पास दिन बहुत ज्यादा कम है। 22 को हमें वापस अपने भारत भी जाना है। एंड भाई साहब, बहुत सारे मेरे को ना कमेंट आए जा रहे हैं, भाई अंकुश भाई तू हेलो इंडिया बोला कर, भारत मत बोल, कुछ बोल रहे हैं अंकुश तू भारत बोला कर, इंडिया मत बोल। मतलब मैं ना कंफ्यूज सा हो चुका हूँ, आज के बाद कमेंट सेक्शन में परमानेंटली बंद कर दूंगा क्योंकि मैं ना बड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। देखो यार, हमारे भारत में ना, हमारे इंडिया में, भारत में ना सभी को आजादी है, जो इसकी जैसा बंदे को मन चाहे ना बोल सकता है, अपने देश का नाम पुकार सकता है। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, बहुत सारे नाम है, आर्यवर्त, चार नाम है ना, चारों मैंने आपको बता दिए भाई। जैसे अभी मेरा मन कर रहा है ना, मेरा मन कर रहा है भारत, मुझे अच्छा लग रहा है बोलने में, तो मैं भारत ही बोलूंगा भाई साहब। कभी कभी बड़ा गुस्सा आ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा आज के बाद कमेंट सेक्शन बंद रहेगी। मतलब मन में ही आप श्री कृष्णा जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट गुड मॉर्निंग, राम राम लिखते हैं सारे, अच्छा लगता है भाई, मन में ही बोल लिया करो आज से कमेंट सेक्शन बंद। मतलब मेरा ना सुबह सुबह दे ही भेजा हो जाता है, वैसे मैं कमेंट कभी रीड नहीं करता, वो पॉप अप हो जाता है स्क्रीन पे कभी ना कभी, तो इसलिए भाई अपनी अपनी समझ है। मतलब जैसे आपका मन चाह रहा है ना देश को बुलाने का, वैसे आप बुलाओ, मेरा भारत बोलने का मन कर रहा है, मैं भारत ही बोलूंगा, सही है ना? चलो भाई आज का दिन शुरू करते हैं, लेकिन कान्हा जी का नाम जय हो कान्हा जी की, गुस्सा मत होना, बस मैं अपना थॉट बोल रहा हूँ कि मेरे को भारत अच्छा लगता है, मैं भारत बोलूंगा, सही है ना? सरदार जी, सत श्री अकाल पा जी। रात को जब हम आए थे यहाँ पे, सिस्टर जी पंजाबी को कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे पंजाबी? मैंने बोला ये अच्छा तरीका है बताने का, पंजाबी ऐसा थोड़ा करते हैं यार। एंड कुछ, ये अपना रूम था भाई, कितना बढ़िया रूम है। एक चीज अच्छी थी, यहाँ पे मच्छर नहीं था, मच्छरदानी तो उन्होंने दी हुई है, पंखे से मजा आ गया। और जे मिला था हमें कितने का अर्श भाई, क्योंकि अर्श भाई हमारा जे सारे रिसर्च जो होटल ढूंढता ना, अर्श भाई ढूंढता अच्छे वाले, बढ़िया बजट वाले, हाइजीन फ्रेंडली लोगों के पास। कितने का था अर्श भाई, सच बोलना? 300 रुपये दिया गया दोनों का, है ना? 150-150 रुपया। अच्छा लगा, अच्छा लगा, ठीक है, बाय बाय, नमस्ते। क्या बोला आपने? धन्यवाद, नमस्ते, धन्यवाद, नमस्ते बोला है ना, धन्यवाद, नमस्ते, नमस्ते, ठीक है भाई, निकलते हैं अभी जी। नमस्ते, इनको हमने नहीं सिखाया, इन्होंने पहले से सीखा हुआ है। अरे भाई खतरनाक, किसने खोला आश भाई? ये एक मारा महान आत्मा ने, जम्मू दा। ठीक है भाई, अभी हम जा रहे हैं। सबसे पहले जो अपने $50 थे ना, वो खत्म हो चुके हैं, अभी फिर से हमें डॉलर एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे सारा। मतलब क्या करें यार, बार बार खत्म हो जा रहे हैं ना अर्श भाई। अगले ट्रिप में जाऊंगा ना, खूब सारे डॉलर लेके जाऊंगा, खूब सारे, मतलब $500-600 लेके जाऊंगा। इस बार हम $500 थे ना दोनों के पास, मतलब $500 मैं खुद के लिए लेके जाऊंगा, मैं इसे घूम सकें, एक ही बार में एक्सचेंज करवा लेंगे, सही है ना? एक ही बार में एक्सचेंज, हाँ, मतलब बार बार ना वीडियो में रिपीट ना हो कि हमें डॉलर खाना, ये रिपीट होता रहता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है भैया जी, फिर मिलेगा। ओह सॉरी, ओके, यस, बिफोर गो वी नीड टू टेक अ पिक्चर। ओके ओके, अरे ये नीचे कैसे आ गई, ऊपर से? अच्छा, ओके, But we think like you are more friendly. Yeah, you are really more polite, friendly, more, yeah. More flexible. सुन लो भाई, तारीफ हो रही है हमारी। भाई हिंदी समझ लेते हैं क्योंकि हिंदी मूवीज देखते हैं ना, है ना? हिंदी मूवीज देखते हो ना, तारीफ समझ गए। तारीफ बहुत हिंदी मूवीज देख रहा हूँ मैं। ओह वाओ, अच्छा बोला, अच्छा। हिंदी सॉन्ग? हाँ। A little bit of Hindi song. Okay, okay.
I will tell an old one. लग जा गले या फिर हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले क्लैपिंग अच्छा गाया आपने मेरे को लग रहा था लता मंगेशकर जी साक्षात गा रहे हैं भाई पूरी मतलब पूरे गले से सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज निकाल रहे थे शी इज माय फेवरेट सिंगर लता मंगेशकर जी हां आपने अच्छा गाया पूरा मतलब हर एक वर्ड सेम गुड थैंक यू ठीक है नाइस टू मीट यू फिर मिलेंगे नमस्ते ओके फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे हां लाइक फ्रॉम हिम आई टेक योर व्हाट्सएप आल्सो हां ही विल शेयर यू माय नंबर फिर मिलेंगे मींस अच्छा लगा हमें श्रीलंका आई लव श्रीलंका एंड श्रीलंकन पीपल ओके बाय बाय लो मेरे दो चेकआउट करो एक बार फिर से आपका गैला में स्वागत है भाई कल यहाँ पे कितना ज़्यादा भटके थे ना होई पे पहुँच गए एंड सामने भाई रेलवे स्टेशन फटाफट ना टिकट ले लेते हैं नहीं तो आपको बताया ना क्या होता है बाद में इसलिए हम 2 घंटे पहले आ चुके हैं अभी 2 बजे ट्रेन चलनी है हम 12:30 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं अरे ओहो अभी अरे क्रॉसिंग टाइम आ गया भाई अपनी ट्रेन जो जाएगी 2:45 पे कोलंबो फोर्ट कैंडी होके कैंडी भी जाएगी कोलंबो से कैंडी जाएगी ठीक है भाई अभी देखते हैं टिकट मिलती है या नहीं भाई 1000 की अगर 250 की टिकट है लो मेरे दो चेकआउट करो फाइनली अपनी टिकट मिल चुकी है दोनों को मिली हमें 250 रुपये में 2 टिकट है यहाँ से सीधी कोलंबो के लिए श्रीलंका बोले जा रहा हूँ बार बार थोड़ा कंफ्यूज हूँ ठीक है खाना शाना खा के ना चेहरे पे मुस्कान आएगी सही है ना अर्श भाई अभी हम यहाँ पे आएंगे कितना टाइम हुआ अभी मतलब अभी 12 बजे होंगे पूरे 2 घंटे के बाद आएंगे क्योंकि 2:45 अपनी ट्रेन चलनी है एंड कुछ ऐसा स्टेशन है ज़्यादा भीड़ नहीं है भाई यहाँ पे है ना चल हाँ चल भाई नमस्ते दादी नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते भाई दादी को भी बताया नमस्ते और कल भाई हमने बताया था कि हम आईफोन लेने वाले हैं आप सोच रहे होंगे हम आईफोन क्यों नहीं ले रहे भाई फिर आर्श भाई ने अपने भाई जी से कॉल करी जो डॉक्टर जी हैं उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया क्योंकि वो हमसे ना ज़्यादा बुद्धिमान है फिर उन्होंने हमें बताया कि भाई यहाँ पे ना एक मतलब गैम मतलब क्या बोलते हैं स्कैम चलता है मतलब आपको ना चाइना वाला वर्जन ना मिल जाए ग्लोबल के चक्कर में चाइना वाला वर्जन मिल गया ना तो भाई अपने साथ डुप्लीकेसी हो जाएगी क्योंकि भाई आपको पता है ना वो भी 1 लाख रुपए की हाँ क्योंकि आपको पता है ना 1 लाख रुपया बंदा भाई इकट्ठा करेगा फ़ोन के लिए दूसरी बार तो इकट्ठा नहीं होगा एंड ऐसे मतलब सोच सोच के मर जाएगा इससे अच्छा है मैं आपको बताता हूँ सबसे सस्ता कैसे मिलेगा मतलब श्रीलंका से सस्ता आपको पता है कहाँ पे मिलेगा ड्यूटी फ्री सामान मिलता है ना एयरपोर्ट पे वहाँ पे आपको मतलब टैक्स भी नहीं लगेगा और सस्ता मिल जाएगा ग्लोबल वर्जन में और भाई श्योरिटी होगी कि वो फ़ोन असली होगा ना भाई नहीं तो भाई अपना पॉपअट हो जाएगा फिर हमने काफ़ी सोचा भाई क्योंकि 1.5 लाख रुपया खर्च करना है तो सोचना तो फर्ज है ना तो फिर हमने डिसाइड करा अभी हम यहाँ से नहीं लेंगे अभी हम लेंगे ड्यूटी फ्री सामान एयरपोर्ट से सही है ना अगर वहाँ पे मिला तो मिल जाएगा ना मिल जाना चाहिए ठीक है भाई अभी छोटे मोटे अपने डॉलर एक्सचेंज करवाने हैं तो मिल ही जाता है क्या इंडिया वाले ड्यूटी फ्री में तो मिल ही जाता है हाँ अपने उधर बड़ा है ना थोड़ा जितना भी शोरूम है इनका थोड़ा छोटा सा है ट्राई करेंगे यहाँ पे जाते हुए एयरपोर्ट पे कि मिलता है फ़ोन या नहीं ठीक है भाई अभी अपने छोटे मोटे डॉलर एक्सचेंज करवाने हैं $100 सारा बचा हुआ है 6 दिन हमने स्पेंड करने हैं यहाँ पे देखते हैं भाई दूर से ना इतना खुश होके आया था मैं कि यहाँ पे भाई बैज वाले मिल रहे होंगे क्योंकि दिखने में ना काफ़ी मस्त लग रहे हैं पर अभी पता चला इसमें बैज वाला कोई भी नहीं है और आपको मैंने कल बताया था ना यहाँ पे ना बैज वाला महंगा मिलता है और जिसमें चिकन डाला होता है मछली डाली होती है ना वो यहाँ पे सस्ता मिलता है यहाँ पे उल्टा है अपने भारत में चिकन वाला महंगा मिलता है पर यहाँ पे चिकन वाला सस्ता मिलता है ठीक है भाई अभी हमें एक कोकोनट वाला मिल चुका है यहाँ पे जे वाला खा लेते हैं और खाना पीना ना अलग से पैक करवा लेंगे क्योंकि ट्रेन ना 6 घंटे लेने वाली है यहाँ से कोलंबो फिर बीच में कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए पहले पैक करवा लेंगे सही है ना देखो सारे मेरे को देख रहे हैं कि क्या पखंड कर रहा है ये ठीक है अच्छा लग रहा है नमस्ते पता कैसा लग रहा
जैसे ब्रेड के ऊपर ना चीनी डाल के देती हो। अंदर फीका है? फीका है, कुछ नहीं अंदर। पर इन्होंने बोला था कि अंदर ना कोकोनट की फीलिंग होगी, पर कुछ भी नहीं है। भाई ऐसा करके ना ठेंगा दिखा रहा है, ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, तभी इतना ज्यादा खुश है, ठेंगा दिखा रहा है ऐसे। मेरे को ना ये चीज समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा समंदर पास में होने के बाद कौवा देखो इसमें पानी पी रहा है। ले भाई पी मजे से। और भाई आ चुके हैं समंदर में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समंदर मेरे आसपास हो और मैं समंदर के पास ना जाऊं। मतलब यहाँ आने के बाद ना मेरे पास बर्ड ही नहीं रहते कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। बट इस बार मैं आपके लिए ना एक यूनिक चीज़ दिखाना चाहता हूं, जो मतलब मैंने ना फर्स्ट टाइम देखी हुई है। वो सामने नौका आपको दिख रही है ना, यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए यूज़ की जाती है, ऐसी वाली नौका मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। मतलब मैंने ऐसी देखी जो बहुत चौड़ी होती है ना, बट उनमें ना बंदा सिर्फ खड़ा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बैठ नहीं सकता, और साइड पे कुछ ऐसा वाला लगा हुआ है। मेरे ख्याल से वो पतली है ना, ऐसे गिर ना जाए पानी में, तो इसलिए साइड पे ये लगा हुआ है एक, मतलब उससे थोड़ी सपोर्ट करने के लिए। और जितनी भी नौका है ना सारी ऐसी है। और यहाँ पे ना एक चीज़ और भी होती है, मतलब एक डंडे लगा के ना उसके ऊपर बैठ के ना मछली फिशिंग करते हैं। वो शायद कहाँ पे था, यहाँ पे हम कल रुके थे ना, क्या नाम है उसका, मात्रा जगह, वहाँ पे लगे हुए थे डंडे, बड़े मस्त थे। मतलब एक डंडा लगा दिया जाता है खड़ा करके उसको ना, मैंने आपको पहले बताया था, साइड में सेंटर में ऐसा करके बनाया, ऐसा करके होता है वो, और जहाँ पे ना बंदा बैठ के फिशिंग करता है बड़ी मस्त वाली। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम दिखेगा तो दिखा देंगे। अभी अपने पास पूरा एक घंटा बचा हुआ है, एक बज चुका है, 2 बजे हमें निकलना है स्टेशन। और आप भी सोचते होंगे समंदर को देख के मैं तो पागल हो जाता हूँ। भाई ऐसा ही होता है, जब नॉर्थ वाला बंदा आता है ना कोई समंदर देखने के लिए, तो वो तो पागल हो जाता है पूरी तरह, जैसे मैं पागल हूँ भाई, बस समंदर देखता रहूँ शाम तक। ऐसा ही सेम ऐसा ही जब साउथ वाले आते हैं ना बर्फ़ देखने के लिए, शिमला वाली साइड, कश्मीर वाली साइड, तो वो भी कुछ टाइम बर्फ़ देखने के बाद ना कुछ टाइम ऐसे पागल से हो जाते हैं। सेम ऐसा मेरा हाल है, समंदर को देख के मैं भी पागल हो जाता हूँ सच। मेरे दोस्त चेक करो, जो अपने पास बचे हुए डॉलर थे ना 100, वो भी आज हमने एक्सचेंज करवा लिए, और इसका मिला मेरे को 15,000 रुपया, अपनी भारतीय करेंसी में हो गया 4,000 रुपया, जिससे मेरे को ना 4 दिन सर्वाइव करना है। वैसे यहाँ पे अभी हमारे 7 दिन हैं, पर अगर मैं 4-5 दिन सर्वाइव कर पाया ना इससे, तो भाई अपना काम निकल जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा प्रोसीजर पड़ जाएगा। मतलब फिर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे घर से, या अपने क्रेडिट कार्ड से निकालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि 4,000 रुपये से 7 दिन सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है भाई, अभी चलते हैं, अपनी ट्रेन लेने का टाइम हो चुका है, मतलब 2:30 बज चुके हैं, चलते हैं अभी। एंड अभी चेकआउट करो भाई, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही है ना यहाँ पे। चलें हर्ष भाई। ओके, क्या प्राइस मिला इसका? भाई अभी तक का सबसे बेस्ट प्राइस मिला है क्या? 320 मिला, मतलब $1 का 320 रुपये मिला हमें, है ना। फिर से आ चुके हैं पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए, क्योंकि अभी ना मैंने हिसाब लगाया वो वाले पैसे ना पूरे नहीं होंगे, और मेरे पास ना भारतीय करेंसी बची हुई है, और कोई कोई दुकान मिलती है यहाँ पे भारतीय करेंसी एक्सचेंज हो सकती है। तो अभी मेरे पास है 2,000 रुपया एक्सचेंज करवाने में। पता क्या प्राइस मिलता है? डॉलर का मिलता है हमें 320, और अपनी भारतीय करेंसी का मिलता है 390 रुपये, और मेरे पास 2,000 रुपये है। मान के चलो कि 6,000-7,000 प्लस मेरे को पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ पे भाई काफ़ी सारे लोग ना कमेंट कर रहे थे कि श्रीलंका में ना गोल्ड बड़ा सस्ता है, तो अभी ज्वेलरी वाली शॉप दिख रही है ना, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। ले लें, हो गया 3.4 कितना होगा? 340 सही है, मतलब ये समझ लो हमें 58 कम मिलेगी। 58 एक गोल्ड का प्राइस क्या है भाई, पूछ के बता, क्योंकि भाई काफ़ी सारे लोग ना कमेंट कर रहे थे वहाँ से ना गोल्ड, वहाँ पे ना गोल्ड बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो अभी प्राइस पता करते हैं। अगर अच्छा हुआ तो 2,000 का ले लूँगा, सही है ना। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पे गोल्ड का प्राइस 21,187 रुपये, 21,000 इंडिया से महंगा गोल्ड है, महंगा है। चेकआउट करो, पीछे आ रही है ट्रेन, और टाइम हो चुका है गैला को गुड बाय बोलने का और कोलंबो की तरफ जाने का। समंदर वाला क्या नज़ारा होगा सची। और अभी टाइम अभी 15 मिनट बचे हुए हैं, 10 मिनट। ठीक है भाई, ट्रेन आ चुकी है अपनी। मेरा है बाबा जी, मेरा, दिस इज माई। बाबा गुस्सा क्यों हो रहा है? उसे समझ में नहीं आ रहा उसे डायरेक्शन हम कैसे समझाएं। अच्छा कोलंबो, अरे ट्रेन पीछे रुकी यार। बाबा ना हमें पूछे जा रहे हैं, पर हमें ना बाबा की भाषा नहीं समझ आ रही। चलो भाई चलते हैं। और हमारी इस बार है भाई सेकंड एसी तो नहीं बोल सकता, सेकंड क्लास है, तो हमें ना अच्छी वाली जगह रहना है। चलो मेरे दोस्त, टाइम हो चुका है गैला को गुड बाय बोलने का, फिर आएंगे, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, चलते हैं।
और यहाँ पे दिख रही है ना बहुत सारी भीड़ है ना, जे वाली टिकट हमने नहीं लिया, जे वाली मिलती है 100 रुपये में, हमने लिया है 200 रुपये वाली, सॉरी थोड़ी एक्सपेंसिव वाली लिया है, मेरा बोलने का मतलब है सेकंड क्लास वाली लिया हमने, तो यहाँ पे हम रुकेंगे ना वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। अच्छा जे वाला है थर्ड क्लास है, हमने सेकंड क्लास लिया है, मज़े से जाएंगे भाई, सही है ना। ये भाई अपना लास्ट वाला डिब्बा, ज़्यादा बड़ी ट्रेन भी नहीं है, मतलब 7-8 डिब्बे होंगे, जल्दी कवर कर लिए। चलो भाई अर्श भाई बोल रहे हैं अंदर सीट है हमारे लिए, कहाँ पे अर्श भाई सीट खाली है, भैया जी बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, नहीं वो साइड में बैठे हैं, इधर तू बैठ जा, किथे सीट पकड़ता हूं कोई, अच्छा यहाँ पे नहीं इधर बैठ जा, हाँ उधर बैठ जा, ओके ठीक है बैठ जा, इज फ्री थैंक यू। दिख रहा है ना भाई बड़ी शांति शांति है ट्रेन के डिब्बे में, एंड सारे मेरे को घूर के देख रहे होंगे क्या बोले जा रहा है। एंड जो हमने नोवेरा एलिया से ट्रेन ली थी ना एलो की तरफ, वो वाली कितनी मस्त थी ना, बिल्कुल नहीं थी, मुझे लग रहा है वहाँ पे ना टूरिस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है, और यहाँ पे शायद लोकल ट्रेन है यहाँ से कोलंबो जाती है। ठीक है भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है, अभी तो फिलहाल मैं शरीफ बन के यहाँ पे बैठा हूँ, जब ट्रेन चलेगी ना विंडो वाली साइड रहेंगे, यहाँ पे समंदर वाला नज़ारा हो जाएगा, नहीं नहीं मेरा मतलब है समंदर वाला नज़ारा दिखेगा ना भाई, पूरा दिन वैसे भी रेस्ट करते हैं सारी रात, तो इससे अच्छा कि पूरा दिन मेहनत करें, यहाँ पे आने का बार बार मौका तो मिलेगा नहीं, इससे अच्छा कि भाई विंडो वाली साइड बैठ के ना समंदर वाला नज़ारा लेंगे यहाँ से कोलंबो तक। अब तो हम रईस भी हो गए, पैसा आ गया फिर से। पैसा कहाँ आया, 2000 का 4000 दे दिया इन्होंने सारा। भाई मैंने आपको बताया नहीं, अपने मैंने 2000 एक्सचेंज करवाया ना, उसका मेरे को 250 रुपया टैक्स पड़ा है अपनी करेंसी में, मतलब मेरे को इन्होंने 1750 रुपये एक्सचेंज करे बस, हाँ ओनली 1700 रुपया एक्सचेंज करके दे दिया, 1750 मैं नहीं करवाऊंगा भाई, अपने डॉलर ही सही थे, डॉलर सही है, डॉलर एक्सचेंज करा उसमें अठन्नी खराब होती है पूरे नोट में, तभी बोला जाता है किसी कंट्री में जा रहे हो ना डॉलर लेके जाना, पर अपने खत्म हो गए वो बात अलग है। ठीक है भाई टाइम हो चुका है ट्रेन चलने का, मिलता हूँ। मैंने फॉर सेफ्टी इंडियन करेंसी मैंने भी छुपा के रखी हुई है अपने पास। अच्छा हाँ फॉरन इमरजेंसी, ठीक है उसके बाद भी इमरजेंसी है अपने पास, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब है, बट हमारे पास कान्हा जी है कोई इमरजेंसी आएगी नहीं, सही है ना। चलो ये बात ट्रेन सही है। तो मेरे पास नहीं है क्या, अकेला आपके पास है भाई। सामने देखो समंदर दिख रहा है पूरा का पूरा, भाई इस ट्रेन की ब्रेक ना बड़ी खतरनाक है, कब 100 से 0 आ जाती है पता नहीं चलता, और आप सोच रहे होंगे अंकुश तूने बोला था समंदर के बीच में ट्रेन चलेगी मजे से, बट वो सीन क्यों नहीं दिख रहा भाई, 100 यहाँ से ना 50 मीटर दूर होगा समंदर, सामने ना बीच में घर आ जाते हैं बहुत सारे, कभी कभी समंदर दिखता है पूरा का पूरा, एंड कभी कभी ये घर आ जाते हैं बीच में, बट आपने एक्सेप्टेड किया होगा मेरे से कि शायद मैंने गलती से बोल दिया होगा कि ट्रेन ना समंदर के बीच में चलती है, ऐसा नहीं है मतलब थोड़ा साइड पे चलती है, और ट्रेन समंदर में बीच में पता कहाँ पे चलती है, धनुषकोडी में, रामेश्वरम में, कुछ ऐसा ही है ना, वो वाला सीन भी मैं आपको दिखाऊंगा बाहर जाने के बाद। तो मेरे दोस्त चेकआउट करो, पूरे 2.5 घंटे का सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं कोलंबो में, एंड वेलकम टू द कोलंबो। भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग ना मैंने अपनी लाइफ में पहले नहीं देखी है सच्ची, ऐसे टीवी में देखी है बुर्ज खलीफा, बट अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। वैसे ना गुड़गांव में इससे बड़ी बड़ी है, बट मैं गुड़गांव गया ही नहीं हूँ, मेरी ख़राब किस्मत फिर भाई, सच्ची इतनी बड़ी है कि मुंडी मेरे को ना ऐसे तोड़नी पड़ रही है पूरी की पूरी, दिख रहा है ना ऊपर, बाप रे। अभी अर्श भाई बोल रहा था जी ट्रेन ना पानी के अंदर चलेगी, चलेगी भाई पानी के अंदर नहीं पानी के ऊपर से जाएगी, मतलब बिल्कुल समंदर के अंदर जाएगी, बट वो वाला स्टेशन आ गया है, हमें कोलंबो उतरना पड़ेगा। पर मेरे को ना बड़ी खाली खाली सी सिटी दिख रही है यार, ना लोग दिख रहे हैं ना इतने, ना इतनी गाड़ियां दिख रही है, नहीं फिर से भाई मेरे को ना बड़ी खाली खाली सी सिटी दिख रही है, ना ज़्यादा गाड़ियां दिख रही है ना लोग दिख रहे हैं ज़्यादा, खुद ही चेकआउट करो बिल्कुल खाली खाली सी लग रही है भाई। कोलंबो ही है या कहीं और आ गए हर्ष भाई, कोलंबो ही है या कहीं और है, कोलंबो है कन्फर्म हो गया। तो लो मेरे दोस्त चेकआउट करो, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोलंबो, एंड कुछ ऐसा स्टेशन है भाई रेलवे स्टेशन कोलंबो का, बिल्कुल सबसे बड़ा स्टेशन है यहाँ का भाई, देखो यहाँ भी मतलब खाली खाली है पूरा प्लेटफॉर्म भाई, इतना तो दिल्ली में ना यहाँ से ट्रेन चलती है इतने सारे लोग वहाँ पे होते हैं, बड़ा खाली सा है मतलब ना ज़्यादा क्राउड है ना कचरा है ज़्यादा, बड़ी शांति शांति सी है, मज़ा आ गया भाई ये स्टेशन देख के, है ना हर्ष भाई काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगा ना। ठीक है भाई एक और मस्त चीज़ दिखाता हूँ जो है भाई कोलंबो की शान,
चलो भाई, जैसे आपने दिल्ली की क्या है भाई शान, मुझे बता दियो। इंडिया गेट है ना, वैसे वो चेकआउट करो भाई। लोटस टावर दिख रहा है ना, कितना मस्त वाला यार, मेरे को पता ही नहीं था यहाँ पे है। मतलब टीवी में काफ़ी बार देखा हुआ है, पर ये नहीं पता था कि कोलंबो में है ये लोटस टावर। कितना मस्त लग रहा है। आश भाई, कितनी फीस है ऊपर जाने के लिए? फीस तो मुझे भी नहीं पता, पर जाते हैं लोग ऊपर। जाते हैं, देखो भाई अगर लास्ट में अपने पास पैसे बचेंगे ना, उसके ऊपर जाएंगे देखने के लिए क्या दिखता है। बिल्कुल समंदर के किनारे बना हुआ है भाई। सच्ची यार मज़ा आ गया भाई। मैंने सोचा बहुत बड़ा स्टेशन होगा कोलंबो, क्राउड होगा बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल साफ यार, ऐसा लग रहा है कोई अपने उधर मतलब छोटा सा स्टेशन होता है ना वहाँ पे होता है ऐसा, मतलब शांति। मैं ना यहाँ पे इसलिए हैरान हूँ कि 10,000 से ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पे आसपास, मतलब फिर भी कोई बोल ही नहीं रहा। देखो कितनी शांति है, सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा। देखो बिल्कुल शांति भाई। ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी, बंदे यहाँ पे बोल ही नहीं रहे, अरे बाहर कहाँ से जाना है। और जी है भाई मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कोलंबो का, क्या मस्त वाली सिटी है। पता क्या दिक्कत है मेरे को, पता क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि हम ना बड़ी बड़ी मेगा सिटियों में रहते हैं। मैं तो चलो अपने जम्मू कश्मीर में मेगा सिटी तो नहीं है, फिर भी यार इतनी मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। जैसे दिल्ली में आते हैं एकदम से लगता है कि भाई मतलब पूरे देश के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, पर यहाँ आने के बाद ना बिल्कुल शांति शांति सी नज़र आ रही है, इसलिए मेरे को थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, सही है ना। बट वहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है, किसी बंदे को शायद पुतला जला रहे हैं, उसका क्या हो रहा है अर्श भाई? हाँ पुतला जला रहे हैं कुछ, शायद कुछ बना हुआ है ना साइड पे। अरे स्टैंड हटा रहे हैं, वो कपड़े वपड़े बेचने का सामान वामान लगा रहा है। अरे नहीं, शूटिंग हो रही है भाई किसी की। हाँ। तो भाई कुछ ऐसा है स्टेशन के बाहर आने के बाद, क्या मस्त वाली वाइब आ रही है ना। शूटिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है वहाँ पे। कोई नहीं, यहाँ पे मैं जाता हूँ ना वहाँ पे शूटिंग हो रही होती है हमेशा। देखो कितनी शांति शांति है। अर्श भाई सरदार जी मिले मेरे को, पर वो तो आंटी थी, उसने कैप पहनी हुई थी, मैंने सोचा पगड़ी बांधी हुई है, चल दूर से ऐसा लगा। चलो भाई देखते हैं अभी कोई मस्त वाला होटल, बाकी कोलंबो ना आपको कल घुमाएंगे, क्या मज़ा आएगा सच्ची यार।